हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आगामी टीजीटी एलटी ग्रेड राजस्थान पीटीआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की संचित मात्रा होती है, यह कितनी मात्रा होती है? 70 से 100 ग्राम होती है, 10 से 30 ग्राम होती है, 50 से 60 ग्राम, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 241 नंबर का आंसर आप लोग देखिएगा, स्कोरिंग करिएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। 241 राइट आंसर यहां पे क्या हो जाता है, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कौन से प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? प्रोलैमिन पाया जाता है, ग्लूटैलिन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, या फिर कैसिन पाया जाता है। 242 अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, बहुत से स्टूडेंट ने सी ऑप्शन अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो कार्बोहाइड्रेट को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, ये देखिएगा, एक, दो, तीन या फिर चार श्रेणियों में बांटा गया है। 243 में आपको आंसर बताना है कि क्या हो जाता है इसका राइट आंसर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 244 मोनोसैकेराइड में शर्करा के कितने अणु पाए जाते हैं, जो मोनोसैकेराइड है इसमें शर्करा के कितने अणु पाए जाते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से 244, 245, 246, 247 पूछा जाता है क्वेश्चन, एक, दो, तीन या फिर चार अणु पाए जाते हैं। 244 तुरंत आपका आंसर क्लिक होना चाहिए, 244 का ए ऑप्शन क्या इसमें सही आंसर होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट आंसर होता है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 245 है, डाइसैकेराइड में शर्करा के कितने अणु पाए जाते हैं, तो डाइसैकेराइड जो है इसमें शर्करा के कितने अणु पाए जाते हैं? 6 पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं या फिर 5 अणु पाए जाते हैं। तो डाइसैकेराइड की अगर बात की जाए तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। इसी तरीके से आप लोग बस तैयारी करते रहिएगा, आप लोग निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पॉलीसैकेराइड में शर्करा के कितने अणु पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। राइट आंसर यहां पे होगा 246 का, बिल्कुल बी ऑप्शन, बहुत से अणु पाए जाते हैं, बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 247 प्रत्येक व्यक्ति की सहत का लगभग 99% 6 तत्वों से बना होता है, अर्थात कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसमें ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम, सल्फर और ताम्र, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयोडीन। 247 में आंसर यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन ए का मुख्य स्रोत बताना है यहां पे। जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत होगा क्या हो जाएगा, राजस्थान पीटीआई में और हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है और सेम ऑप्शन दिए हुए थे इसी तरीके के, ध्यान रखना है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 बाइल द्रव्य किसके पाचन में सहायक है, तो बाइल द्रव्य किसके पाचन में सहायक है, देखिएगा, वसा के पाचन में सहायक है, प्रोटीन के पाचन में सहायक है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है या फिर गामा प्रोटीन के पाचन में सहायक है, सही आंसर यहां पे आपको बताना है, कौन सा उत्तर 249 में राइट हो जाता है।
249। ए ऑप्शन क्या होता है इसका, राइट आंसर होता है ए, उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, एटीपी या फिर इनमें से कोई नहीं। 250 बिल्कुल आंसर आपका आना चाहिए। ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत आपको बताना है, यहां पे ग्लूकोज होता है क्या? बिल्कुल ऊर्जा का तात्कालिक स्रोत आया तो तुरंत ग्लूकोज के साथ में आप लोग टिक लगाएंगे, ए ऑप्शन सही होगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रस दूध को दही में परिवर्तित करता है, कौन परिवर्तित करता है, पेप्सिन, रेनिन, ए व बी दोनों या फिर लाइपेज। जो भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े हुए होते हैं लेकिन क्वेश्चन तब भी आपके गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि आपका रिवीजन सही से नहीं होता, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, केवल पढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए जो भी डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं और बीच बीच में प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर पेमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जैसे ही सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और साथ में जो भी पीडीएफ्स हैं वो पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 251 का जो राइट आंसर हो जाएगा रेनिन हो जाएगा क्या? बिल्कुल बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 252 थायमिन क्या है, थायमिन क्या है, विटामिन है, रोग है, हड्डी है या फिर पेशी है। 252 नंबर, तो ये थायमिन एक विटामिन है, ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253, शरीर के प्रत्येक किलोग्राम भार के लिए प्रति घंटा की दर से मूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो मूल ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है, 1.3 कैलोरी होती है, 1.5 कैलोरी होती है, 1.7 कैलोरी होती है या फिर 1.9 कैलोरी होती है। इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 253। ए आंसर इसका क्या है, राइट आंसर है, ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भोजन का मुख्य कार्य है नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, रक्त का निर्माण करना, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। भोजन का मुख्य कार्य तो यह क्या होगा, नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, ए ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 255 नंबर है, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी की मात्रा होती है, तो 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी की मात्रा होती है, 4 कैलोरी होती है, 7 कैलोरी, 8 कैलोरी, 10 कैलोरी। 255 सी ऑप्शन क्या है इसका, राइट आंसर होता है, सी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है, ये देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसके पहले के वीडियोस के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज, प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियोस टीजीटी एलटी ग्रेड राजस्थान पीटीआई जो भी आप देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश यूपी टीजीटी का नया बैच शुरू कर दिया गया, जो भी अभ्यर्थी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 9621819209 पर। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो ऑफर अभी प्रोवाइड किया गया वो 15 जून के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ऑफर में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा जो भी पुराने स्टूडेंट जुड़ना चाह रहे हैं तो वहाँ पर अभी तुरंत जुड़ सकते हैं। और राजस्थान पीटीआई का भी बैच चल रहा है जिसमें आपको राजस्थान जीएस और फिजिकल एजुकेशन दोनों से संबंधित क्वेश्चंस डेली के डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। 256 का जो सही आंसर यहां पे आपने अटेम्प्ट किया विकास के साथ में अटेम्प्ट किया है, बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 257, एक किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का रेशियो कितना होता है, अनुपात कितना होता है ये बताना है, तो ये अनुपात क्या होगा, 4:1:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 258 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखना, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा सही आंसर है। नेक्स्ट है विटामिन डी किसमें पाया जाता है, विटामिन डी किसमें पाया जाएगा, ये इनमें से सभी में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम, ध्यान रखिएगा ये जो 259 क्वेश्चन है विटामिन डी आपको सूर्य के प्रकाश से मिलता है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, डी ऑप्शन इसका सही आंसर।
रेटिनॉल किसका होता है, थायमिन किसका होता है, टोकोफेराल किसका होता है फुल फॉर्म, ये आप लोग बताएंगे, रासायनिक नाम कमेंट करके बताएंगे ये किनका होता है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन यूपी टीजीटी राजस्थान पीटीआई और उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, साथ में जो पीडीएफ्स हैं वो पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।